आज शेखपुर डिवीज़न के तमाम बल्दिया डिवीज़न के हल्के जात में आज 74वीं मुल्क की यौम आज़ादी तकारीब मनाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह कई टीआरएस के कायदीन हमारे सीनियर कायद सैयद लतीफ़ अहमद और खुसूसन यहाँ के हरकियाती और नौजवान यूथ कायद मोहम्मद शकील अहमद और डिवीज़न के नायब सदर मोहम्मद अकील अहमद और दीगर तमाम इनके साथी हजरात टीआरएस के कायदीन ने और खुसूसन मुल्क की यहाँ पर बासर इस हमारे इलाके की शख्सियतें भी मौजूद थी जिसमें कई उलमाए कराम भी मौजूद थी। आज हमने मुल्क की 74वीं यौम आज़ादी तकारीब मनाई, अल्लाह का शुक्र है। और हम मुल्क की आज़ादी तकारीब को एक जश्न के तौर पर मनाते हैं और तमाम मेरे मुल्की भाइयों को, मुल्क नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क में रहने वालों को भी, मैं तमाम को मेरे दिल की गहराइयों से मुल्क की आज़ादी तकारीब की मुबारकबाद देता हूं। और इस बार ये बताना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान से लेकर आज तक मोहम्मद फेरोज़ हुंदे आज तक भी मुसलमानों ने अपने मुल्क की कुर्बानी बराबर देते रहे और इंशाल्लाह मरते दम तक क़यामत तक जब तक ये मुल्क रहेगा इस मुल्क के लिए मुसलमान अपनी जान कुर्बान करते रहेंगे। हज़रत टीपू सुल्तान ने जो सबसे पहले इस मुल्क की आज़ादी का बेड़ा उठाया था आज तक कई नामोर उलमाए कराम ने अब इस मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। मैं तमाम को इस जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ और इस बात की कोशिश करूँगा कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर बसने वाली तमाम अकौम की मुल्क ने हमेशा खुशहाली और तरक्की के लिए मुल्क काम करता रहा और मुल्क में ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है जहाँ पर सेकुलर सरकर्दा कायदीन जैसे कि हमारी रियासत के वज़ीर आला कलवाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब जैसे सेकुलर कायदीन इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के तौर पर, इस मुल्क के अमन के तौर पर और इस मुल्क की तरक्की के लिए, हर ज़ात हर कौम की तरक्की के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग काम कर रहे हैं। मैं KCR साहब को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस रियासत तेलंगाना में तालीमी और माशी पसमानदगी का बेड़ा उठाकर हज़ारों हज़ारों नौजवानों को, मासूम बच्चों को तालीम की तरफ रागिब करें। मैं KCR साहब का बेहद ममनू मशहूर हूँ जिन्होंने ना सिर्फ तालीमी बल्कि माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर इस रियासत की तरक्की की तरफ काम करें, जहाँ पर मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया और कई इस्तेमाल को बात करें। नौजवान हल्कियाती हमारे वजीर एंटी रामाराव साहब ने भी यहाँ पर कई कंपनीज को लॉन्च किया है, हम तरफ काम करें, जहाँ पर मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया और कई इस्तेमाल को बात करें। नौजवान हल्कियाती हमारे वजीर एंटी रामाराव साहब ने भी यहाँ पर कई कंपनीज को लॉन्च किया है और लोगों की रोज़गारी फराहम करने के लिए ये रियासत बहुत ही हिंदुस्तान में नंबर वन रियासत बनकर उभर रही है। मैं KCR साहब को जिन्होंने इस रियासत को तमाम अकौम को साथ लेकर चलने के लिए एक भरपूर कोशिश की है और मुसलमानों की खुद तरक्की के लिए वो बड़े पैमाने पर संजीदा भी है और काम करके दिखाया है। जहाँ पर मस्जिदों की तामीर हो, मदरसों की तामीर हो और मदरसों में ऑडिटोरियम की तामीर हो, दरगाह की तरक्की हो, यतीम खाने की तरक्की हो, KCR साहब ने कई ऐसे इस्तेमाल को लॉन्च किया। माइनॉरिटीज़ के रेसिडेंशियल स्कूल का मसला हो या जूनियर कॉलेज का मसला हो, KCR साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में काम किया। जैसे कि हमारे घरों में रहने वाली गरीब लड़कियों का शादी मुबारक के नाम पर हो और कई स्कीमात को स्कॉलरशिप के नाम पर, आसरा पेंशन के नाम पर इन्होंने इस रियासत को तरक्की दी है और मुल्क की कौम को साथ लेकर चला है। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे सेकुलर कायदीन पर और मैं तमाम मेरी रियासत की 4 करोड़ आवाम, खुसूसन मुल्क की आवाम को इस मुल्क की 74वीं यौम आज़ादी की, जश्न आज़ादी की तकारीब की मुबारकबाद देता हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद।